वफाकी काबीना की टांग में पोलियो टीम पर हमले की शदीद मजम्मत। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर दाखला को वाकये की फौरी रिपोर्ट की हिदायत कर दी। काबीना ने मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीजा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर माहौलियात तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज को मजबूत और मुस्तहकम करना होगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, कहा टेक्सटाइल सेक्टर को रियायती नरखों पर बिजली और गैस की मुद्दत 30 जून को खत्म हो रही है। हुकूमत के साथ तवानाई की कीमतों पर कई इजलास किए गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बरामदी ऑर्डर बुक नहीं कर रही। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 30 जून से कबल बिजली और गैस की कीमतों का ऐलान किया जाए। एफबीआर ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, हदफ से ज़ायद टैक्स इकट्ठा कर लिया। तर्जमान के मुताबिक 6000 अरब से ज्यादा महसूलात जमा कर लिए। मौजूदा माली साल के लिए मुकर्रर करदा इब्तदाई हदफ 5829 अरब रुपए था। एफबीआर 6100 अरब रुपए के टैक्स महसूलात का हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म। सुप्रीम कोर्ट में मेरिट के बरक्स जजेस की तैनातियां की जा रही हैं। सीनियर कानूनदान और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान कहते हैं काजी फायज ईसा छुट्टियों पर हैं, उनकी गैर मौजूदगी में जजेस को तैनात किया जा रहा है। बार एसोसिएशन और वकला से राय न लेना भी अफसोसनाक है। फौरी तैनातियों से मुतालिक इजलास मुलतवी किया जाए। और मोटरवे पर गाड़ी की बूम बूम रफ्तार महंगी पड़ गई। शाहिद आफरीदी का मोटरवे पुलिस ने चालान कर दिया। मुकर्रा हद से तेज गाड़ी चलाने पर 1500 रुपए का चालान हुआ। आफरीदी मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी के मोतरफ, कहा कानून सबके लिए बराबर है। वेल डन मोटरवे पुलिस।